हेलो फ्रेंड्स, मीतूस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुरकुरे से बनने वाला बिल्कुल नए तरीके का टेस्टी स्नैक, और आपको ये स्नैक रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए कुरकुरे से बनने वाला ये टेस्टी स्नैक रेसिपी शुरू करते हैं। कुरकुरे से टेस्टी स्नैक बनाने के लिए यहाँ मैंने चिली चटका फ्लेवर में कुरकुरे लिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है दोस्तों, आप ये फ्लेवर ट्राई करके देखना, नहीं तो आप अपनी पसंद से कोई भी कुरकुरे का फ्लेवर यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ मैंने एक चीज क्यूब ली है, ये चीज क्यूब हम इसके साथ यूज करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू कर देते हैं टेस्टी कुरकुरा स्नैक। उसके लिए हम ले लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल, और इसमें हम ये पैकेट खोलकर डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, एक छोटे साइज के टमाटर को भी बारीक काट के डाल देते हैं, और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा खीरा डालूंगी। मेरे पास अभी अवेलेबल था तो मैंने इसे भी काट के इसमें डाल दिया है। आप अपने पसंद से जो भी कच्ची सब्जी खाना पसंद करते हो वो यहाँ पर डालकर यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये टेस्टी फ्लेवर्ड मेयोनीज। ये डिप खाने में दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगती है, और इसे डालने के बाद यहाँ हमें कुछ और डालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसीलिए मैं इसे 2 चम्मच भरकर डाल देती हूँ। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप घर पर ये डिप बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। मेयोनीज को घर पे कैसे बनाना है ये मैंने उसमें सिखाया है, साथ में 2 फ्लेवर्स भी बताए हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब ये हमारा क्रीमी कुरकुरे स्नैक बिल्कुल तैयार है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, ये ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन अगर आप मेरी तरह चीज लवर है तो आप इसे बनाइए चीज के साथ, जिससे इसका टेस्ट और भी डबल हो जाने वाला है। उसके लिए यहाँ मैं एक प्लेट ले लेती हूँ, और उस पर मैं ये जो तैयार किए हुए कुरकुरे हैं इन्हें डाल देती हूँ। इस तरीके से हल्का हल्का मैं इन्हें फैला लूंगी। ये देखिए मैंने इसे फैला दिया, और अब ये जो हमने यहाँ चीज ब्लॉक लिया है इसे ग्रेट करके डाल देते हैं। आप चाहें तो यहाँ मोजरेला चीज भी यूज कर सकते हैं। चीज के पूरे ब्लॉक को मैंने इस पे ग्रेट कर दिया है, और बस अब हम फटाफट इसे प्री हीट की हुई कढ़ाई में रख लेते हैं। तो प्लेट को सावधानी से हम कढ़ाई में रख लेंगे। आप चाहे तो तवे पे भी रख सकते हो, या फिर सबसे अच्छा रहेगा दोस्तों कि आप इसे माइक्रोवेव में रखें। कढ़ाई में मैंने इसे 5 मिनट के लिए रखा है दोस्तों। तो 5 मिनट में चीज अभी हमारा हल्का हल्का मेल्ट हो गया है, और बस अब हम इसे ऐसे ही निकाल लेते हैं। बहुत ज्यादा देर आपको नहीं रखना है, नहीं तो जो आपके कुरकुरे हैं वो काफी सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर वो जो स्वाद आएगा ना क्रिस्पीनेस वाला, वो चला जाने वाला है। तो चलिए इसे कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। अब ये लीजिए, मैंने प्लेट को कढ़ाई में से निकाल लिया। तो इसी तरीके से आप ये कुरकुरे से बना हुआ क्रीमी और चीजी स्नैक बनाकर जल्दी से गर्मा गर्म ही सर्व कर देना दोस्तों। बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल टेस्टी नई रेसिपी है। आपको कुरकुरे से बनी हुई ये डिलीशियस रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बस ऊपर से हम इसमें काली मिर्ची का पाउडर डाल देते हैं, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मिक्स हर्ब्स। आप यहाँ ओरिगेनो भी डाल सकते हो, अपनी पसंद से ऊपर आप सीजनिंग कर सकते हो। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, 5 मिनट में बनने वाली ये टेस्टी डिलीशियस कुरकुरे रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ये नई रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन भी जरूर दबाना ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।